थिएटर के बाद अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन, जाने कब और कहां होगी स्ट्रीम। जिस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन ने 2 महीने शक्कर नहीं खाई थी और स्ट्रिक्ट डाइट पर रहकर अपना लुक चेंज कर लिया था, वो फिल्म अब आप घर बैठे देख सकते हैं। बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट कलेक्शन करने के बाद कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन के मुरलीकांत पेटकर का रोल निभाया था। वही मुरलीकांत भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाल न दिखाया हो, मगर जिसने भी ये फिल्म देखी इसकी तारीफ की। अगर आपसे ये फिल्म मिस हो गई है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसे आप घर बैठे देख सकते हैं। 10 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को 2024 चंदू चैंपियन ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है। इस फिल्म को आप पूरे परिवार के साथ घर पर एंजॉय कर सकते हैं। प्रेरणा देती ये फिल्म आप बच्चों को भी दिखा सकते हैं। दूसरी ओर मुरलीकांत पेटकर पहले कुश्ती खेला करते थे और स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना चाहते थे, मगर पैसे कमाने के प्रेशर की वजह से उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। इंडियन आर्मी की तरफ से वो बॉक्सिंग करने लगे। सेना में सेवा देते वक्त साल 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मुरलीकांत को 9 गोलियां लग गईं, वो बुरी तरह घायल हो गए और कोमा में चले गए। उन्होंने अपना हाथ खो दिया, मगर उनका जज्बा इतना ज्यादा था कि ये रुकावटें भी उनका कुछ नहीं कर सकी। साल 1972 में जर्मनी में हुए पैरालंपिक में मुरलीकांत ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने ये गोल्ड मेडल 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग में जीता था और 37.33 सेकंड के समय का इतिहास भी रचा था। देश के लिए उनके योगदान की वजह से साल 2018 में मुरलीकांत पेटकर को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। कार्तिक आर्यन ने इन्हीं का कैरेक्टर प्ले किया था और फिल्म की स्टोरी भी पूरी तरह से इसी तरह दिखाई गई है। उनको फिल्म में काफी ज्यादा पसंद किया गया। दूसरी ओर दोस्तों, आपको बता देना चाहेंगे कार्तिक आर्यन और भी अपनी कई अपकमिंग मूवीज में नजर आने वाले हैं। उनकी अपकमिंग मूवी बताई जा रही है भूलभुलैया 3 है और खबरें ये आ रही है कि वो पति पत्नी और वो के सेकंड पार्ट में भी नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों, आपका कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।